तो दोस्तों सबसे पहले आप इस पे लेटर की रेटिंग पे फोकस करो, यहाँ पर 3.8 की इसकी रेटिंग है और दोस्तों मार्केट में बिल्कुल नया आया है, साथ ही साथ में RBI रजिस्टर्ड है और NBFC पार्टनर है। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इस एप्लीकेशन में कैसे हमको अकाउंट ओपन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर आप लॉन्चिंग डेट पर फोकस करो, 27 सितंबर 2022 को ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर रिलीज हुआ था। ठीक है, इसके बाद में 5,000 लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है और जनवरी 2023 को ये एप्लीकेशन जो है अपडेट भी हुआ था। अब अपडेट से क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले इस एप्लीकेशन का काम था एक क्रेडिट लिमिट देना, ठीक है, मतलब कि हम जिसको पे बोलते हैं पे लेटर। ठीक है, पे लेटर जो है दोस्तों कम लोगों ने यूज किया, तो इसने क्या किया दोस्तों, ये जो है अब आपको लोन देना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, मतलब जी जो है RBI रजिस्टर्ड हो चुकी है और NBFC पार्टनर है और इसने जो है लोन देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं और कैसे हमको यहाँ पर लोन मिलती है, कितना लोन मिलता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको लाइव प्रूफ के साथ में। ठीक है, हम एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, कैश अर्ली इस एप्लीकेशन का नाम है और आपको पता है कि जो भी रिस्पॉन्स होता है एप्लीकेशन का वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो जहाँ तक मैंने इसका जो डैशबोर्ड है उसको मैंने देखा तो यहाँ पर इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है जिसमें टेन्योर हमको 120 दिन के लिए मिल रहा है। तो चलिए हम देख ही लेते हैं कि आगे का प्रोसेस यहाँ पर क्या क्या लगता है। ठीक है, सो फ्रेंड ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये इस प्रकार का डैशबोर्ड में ओपन हो जाती है। इसके बाद हमको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है और अपने फोन का परमिशन दे देना है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है। एक बात मैं आपको बता दूं, इंडिया सिटीजन ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर दो भाषाएं मिल जाती हैं। चलिए हम इसमें जो है अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे हमने एप्लीकेशन को ओपन किया यहाँ पर इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर क्या लिखा है दोस्तों, आप बड़े ही गौर से देख लो, यहाँ पर लिखा है सुरक्षित ऋण हम तेज है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दें कि 1,000 रुपये से लगा करके आप यहाँ पर 20,000 रुपये तक के लिए लोन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जिसमें टर्नओवर आपको 120 दिन का यहाँ पर मिल सकता है। तो जैसा इन्होंने यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखाया है अपने ऐप के अंदर, वैसा ही दोस्तों जो है इस ऐप के प्ले स्टोर पर ये फोटो रखी गई है। हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए हम ये सब कुछ कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर ऑनलाइन आधार कार्ड का नंबर जो है लिया जा रहा है, आधार कार्ड लिया जा रहा है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है RBI रजिस्टर्ड है, NBFC पार्टनर, तो हम ऑनलाइन इसको दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने अपना जो डिजी लॉकर है उसका परमिशन दे दिया है। अब यहाँ पर आधार कार्ड के जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट होने के बाद अब यहाँ पर हमारी फ़ोटो के बारे में पूछ रहे हैं कि आप एक फ़ोटो अपलोड करो अपनी, तो हम यहाँ पर अपना फेस फ़ोटो दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि ये वेरिफिकेशन कर सके। तो मेरे भाइयों, मैंने यहाँ पर पैन कार्ड जो है वो भी अपलोड कर लिया, आधार कार्ड अपलोड कर दिया, फेस भी अपलोड कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आधार कार्ड को हाथ में लेकर के फ़ोटो खिंचवाना पड़ता है। ठीक है, सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर आ गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी हम फिलअप कर देते हैं। दूसरा स्टेप भी यहाँ पर हमारा कम्प्लीट हो गया, आप यहाँ पर देखो। अब हम तीसरा स्टेप कम्प्लीट करेंगे जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, 2-3 कितने मांगती है कंपनी, 3 मांगती है, 3 डाल देंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट का स्टेप है दोस्तों जिसमें बैंक इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो हम ये भी डाल देते हैं। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितना हमको यहाँ पर लोन है अप्रूव हो रहा है। तो अभी तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा जो एप्लीकेशन वो अंडर प्रोसेस में चला गया है। ठीक है, ये सब कुछ अंडर प्रोसेस में चला गया है। अब यहाँ पर जो है थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा कि कितना हमको लोन अमाउंट यहाँ पर मिल रहा है। अगर यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा तो मैं बताऊँगा, और रिजेक्ट होगा तो भी मैं बताऊँगा अगला वीडियो बना करके। ठीक,
आपके सामने मैंने लाइव अप्लाई करके दिखाया है इस एप्लीकेशन से, आगे का क्या रिस्पॉन्स निकलता है वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है।